Press the subscribe button, press the bell icon, you will receive all the notification. आज हम बनाएंगे छेना मुर्की. छेना मुर्की बनाने के लिए हमें चाहिए इलायची 2-3 कुटी हुई, 1 चम्मच रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर, 400 ग्राम पनीर और 1.5 कप चीनी. एक पैन में हम चीनी डालेंगे, ये 1.5 कप चीनी है. इसके अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे. अब हम पनीर को छोटे क्यूब साइज में काट लेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं इसके. इन ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पतले भी नहीं चाहिए, इनको एक्यूरेट काटना है. इक्वल साइज के होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए. ये हमारे क्यूब्स कट चुके हैं. हमारी जो चीनी हमने चाशनी के लिए चढ़ाई थी उसमें भी बॉईल आ चुका है. इसमें अब हम इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से पकाना है. हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है. हम चेक करेंगे कि ये बनके तैयार हुई है नहीं हुई है. ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है. अब हम इसमें हमारी पनीर के क्यूब्स डालेंगे कटे हुए और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जिससे हमारी जो पनीर है उसमें अच्छे से सिर्फ अंदर तक चला जाए. तो इसको करीब 2 मिनट अच्छे से पकाना है और इसको हिलाते रहिए जिससे इसके अंदर तक चाशनी जाए. ये आप देख सकते हैं कि इसमें से एक तार बनना स्टार्ट हो गया है. इसे अच्छे से पकाएंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक हमारी जो चाशनी है वो जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए. हमारी जो चाशनी है ऑलमोस्ट रेडी है. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जमने वाली हो गई है. इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे. गैस से उतारने के बाद हम इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हिलाते हुए ठंडा करना है और इसको आप लगातार चलाते रहिए जिससे हमारी जो चाशनी इस पर अच्छे से कोट हो जाए. ये देखिए हमारी जो चाशनी थी वो अच्छे से जम चुकी है, एकदम पाउडर फॉर्म में आ गई है. इसे हम और थोड़ा सा ठंडा करके, ये देखिए अब ये एकदम सूख चुके हैं. अब इन्हें हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे. ये हमारा छैना मुर्की बनके रेडी हो गया है और ये जो शुगर है आप इसको किसी भी चीज़ में काम में ले सकते हैं. छैना मुर्की इज़ रेडी. ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब.